का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड की रिपोर्टें कैसे मांगते हैं, कि डेटर्स की लिस्टें कैसे निकालते हैं, क्रेडिटर की लिस्ट कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं सेल क्या होती है। अगर किसी ने आपसे पूछा मुझे एक दिन में कितने की सेल गई तो कैसे निकालोगे, उसके कई सारे तरीके। पहला तरीका है, आप इसको लिस्ट में आओगे, स्क्रीन पे जाओगे और यहाँ से ऑल कर दोगे, तो ऑल करोगे सारी आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक दिन की। तो हम इसमें क्या करेंगे, सचिन और सूरज दोनों को बोला इधर आ जाओ, ठीक है, 30-4। तो क्या होगा, खाली आपकी एक दिन की सेल आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जब आप सेल की लिस्ट निकालोगे तो यहाँ पर आपको सेल नहीं दिखेगी। क्या होगा, सेल नहीं दिखेगी, एंटी नहीं दिख रही, ठीक है। तो मैं 1 से 10 तारीख के बीच में आ रहा हूँ, सेल की लिस्ट बताना है कि इसमें सेल कितनी होगी, ठीक है। तो टोटल मेरी सेल कितनी हुई है, इतनी क्वांटिटी, अमाउंट तो आ ही नहीं रहा है। तो अमाउंट लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से शो वैल्यू ऑफ आइटम को यस करोगे, तभी आपकी एक दिन की सेल बताएगा कितनी हुई। अभी सेल कितनी बता रहा, पूरे महीने की बता रहा, 6,07,000 रुपये की हमारी क्या हुई है, सेल हुई है। कोई आपसे जल्दी पूछे तो आप ऑल्ट एल दबाओगे, उस सेल लिखोगे और स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल के आप यहाँ से निकाल के दे दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई पूछे एक दिन में कितने की परचेज करी, तो कहाँ जाओगे, परचेज के अंदर आओगे, लिस्ट आओगे और वैसे निकालोगे। नहीं तो ऑल्ट एल परचेज स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट एंड F2 करके निकाल लेंगे, तो ये आपका सारी है। कोई इश्यू इसमें आप दोनों को। अब इसके बाद किसी ने बोला मैंने एक दिन में किस किस पार्टी से परचेज करी, या एक दिन में क्या क्या आइटम मैंने परचेज करी। वो अब सब आइटम नहीं पूछ रहा, आइटम पूछ रहा है और क्वांटिटी चाहता है एक दिन की, एक दिन की। अगर ऐसी बात है तो कहाँ जाओगे आप, परचेज एनालिसिस के अंदर। जब परचेज से रिलेटेड मांगेगा तो परचेज सेल में जाओगे तो सेल, तो कहाँ आएंगे, परचेज के अंदर। आइटम वाइज चाहिए तो आइटम के अंदर आएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मंथली क्वार्टरली या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना। मैंने बोला सर डेट के हिसाब से, तो मैंने डेट करी, ऑल आइटम मैंने कहा बिल्कुल ऑल आइटम, डेट वाइज मैंने कहा डेट वाइज, कब से 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। तो देखिए आपकी सारी एंट्री यहाँ पर शो गई कि आपने क्या आइटम खरीदी है। आइटम 1 कितनी क्वांटिटी, 608 क्वांटिटी खरीदी। अगर आपके पास वेराइटी में माल होता तो आप यहाँ पर वेराइटी में भी माल दिखता आपके पास, जैसे item 1 item 2 shirt 1 क्लोथ, ये सारी आइटम आपको यहाँ पर दिखती है एक दिन के अंदर। अभी तो हमारी कब देखिए, 1 से लेके पूरे महीने की है। आप स्टार्टिंग डेट डालोगे ना यहाँ से, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट, जैसे 20 हमने बोल दिया 10 तक, तो कब तक की एंट्री आएगी मेरे पास, 1 से लेके 10-4 तक, ठीक है। जो आपकी स्टार्टिंग डेट होगी और जो आपकी एंडिंग डेट होगी आपको वो सारी दोनों यहाँ पर डालनी। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आप लोगों को, ठीक है। अगर वो पूछे किस किस पार्टी से परचेज करी एक दिन में, तो कहाँ जाएंगे, परचेज के अंदर आएंगे। ऐसी मैंने एक दिन को क्या किस किस को सेल करी, क्या क्या आइटम बेची, कहाँ निकालोगे, आइटम के अंदर। एक आइटम होता है ऑल आइटम होता है, एक ग्रुप ऑफ आइटम होता है, एक वन आइटम होता है, एक सिलेक्ट आइटम होता है। ऑल आइटम से आप सभी जानते हो कि सारी आइटम आ जाएगी। ग्रुप ऑफ आइटम क्या होती है पता है, कौन सा ग्रुप का, जो आइटम के अंदर यहाँ जनरल ग्रुप होता है। जैसे आपने क्लोथ का अलग ग्रुप बनाया ना अक्री करके, तो क्लोथ का इंडिविजुअल अलग दिख सकता है। जैसे होता है ना, हम लोग कहीं काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि शर्ट का माल अलग रहे, पैंट का माल अलग रहे, स्लाइडर का माल अलग रहे, जिप का माल अलग रहे, तो ऐसे से पार्टीशन करने के लिए हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम रिपोर्ट में भी क्या देख सकते हैं, ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं या वन आइटम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कस्टमर के रिकॉर्डिंग आपको देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो मेन आता है वो आती है आपकी डे बुक की, एक दिन के अंदर किससे परचेज करी, किसको सेल करी। तो एक दिन के अंदर डे बुक पूरी आ जाती है। तो आप डे बुक निकालोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी, आपने 1 तारीख को किससे परचेज करा, किसको सेल करा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन डे बुक 2 तरह की होती है। अगर आप इसको यस करोगे तो इसके अंदर आपको डे बुक कुछ अलग दिखेगी। इसके अंदर आपको कैश के साथ डे बुक यहाँ मेंशन होगी, ये आपकी रिसीव साइड होगी और ये आपकी पेमेंट है। जैसे ओल्ड पी इंटर ओल्ड पी करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, ये बताएगा 1 तारीख को जिससे परचेज हुई, ये मतलब एक पूरा इनवॉइस बन के आ जाएगी, जिससे आपको डेट के हिसाब से अब इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा आपने, कि आपकी परचेज तारीख यहाँ पर ही आ जाए, ठीक है।
हाँ डे बुक बोलते हैं इसे, डे बुक। डे बुक का मतलब होता है एक दिन का लेखा जोखा निकालना, कि एक दिन में कितना पैसा इन हुआ है, एक दिन में पैसा कितना आउट हुआ है, कितनी सेल की एंट्री करी, कितनी परचेज की एंट्री करी। तो क्या होती है हमारी डे बुक। कहाँ जाओगे? अकाउंट्स के अंदर डे बुक। यस करोगे तो नॉर्मल जैसे आपके अकाउंट होते हैं ना डेबिट क्रेडिट, उस पैटर्न में आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसी टॉपिक को यस करेंगे तो देखिए आपकी जनरल एंट्री ना आके पूरा पार्ट बन के आएगा। ठीक है, ये एक एक डेबिट नोट है भाई। ठीक है, अभी देख मारा था ना डेबिट नोट, आपको यहीं दिख गया। तो ये आपकी डे बुक होती है। ठीक है, कोई कहता है डेटर से कितना पैसा लेना है या क्रेडिटर को कितना पैसा देना है। डेटर को कितना पैसा लेना है तो कहाँ जाएंगे? अकाउंट समरी के अंदर आएंगे। कंसोलिडेटेड को एक बार रिंग कर दो उसको। कंसोलिडेटेड के अंदर अकाउंट वाइज के अंदर ग्रुप ऑफ अकाउंट में आएंगे। कब आएंगे? ग्रुप ऑफ अकाउंट, जो भी ग्रुप का नाम है ग्रुप का नाम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और क्लोजिंग, कह रहे सर कह रहे ऊपर आ जाए। ठीक है, तब यहाँ से आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपका डेबिट होता है, ये क्रेडिट। अगर आपसे कोई डेटर की लिस्ट मांगेगा तो आपको कंसोलिडेटेड के अंदर आके ही निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? कंसोलिडेटेड के अंदर ही आके निकालनी है। ऑल अकाउंट नहीं, ग्रुप ऑफ अकाउंट, सिलेक्ट अकाउंट। कौन सा? ग्रुप ऑफ अकाउंट और सिलेक्ट अकाउंट। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गया इतना? ठीक है, इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? डेटा की डेटा की लिस्ट यहाँ से निकल जाएगी, दिक्कत है? ठीक है, अगर कोई कहता है किससे कितना पैसा देना है और किसको कितना पैसा लेना है, वो हमसे खाली पूछने जाता है, चाहे मेरे डेटर्स हो चाहे क्रेडिटर। उन्होंने बोला कितने लोगों से मुझे पैसा लेना है, क्या लेना है, कितने लोगों से मुझे पैसा लेना है, तो कहाँ जाएंगे? आउटस्टैंडिंग के अंदर आएंगे, अमाउंट रिसीवेबल में आएंगे। कहाँ आएंगे? अकाउंट रिसीवेबल में। ये वो पार्टियाँ सारी आ जाएंगी जिनसे हमें पैसा लेना हो। क्या आ जाएंगे? जिनसे हमें पैसा लेना है, चाहे वो डेटर्स हो चाहे क्रेडिटर्स हो चाहे मेरे कुछ भी हो, वो सारे अमाउंट यहाँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रुका हुआ, जो बचा हुआ है या ड्यू है। तो यहाँ आके आप लिस्ट निकालोगे, देखिए सारे आ जाएंगे जिनसे आपको पैसा लेना है। और जिनको पैसा देना है उसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? पेबल। पेबल का मतलब तो देना। ठीक है नीरज, थोड़ा ज्यादा बढ़ लिया भाई। ठीक है, और पेबल के लिए यहाँ आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आ गया? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो आप यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं। तो आपको बेसिक चीज समझ में आई? ये तो हो गई इतनी। अब आती है, कोई पूछता है मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है। स्टॉक निकालने के लिए बात करें तो कहाँ जाएंगे? स्टॉक स्टेटस के अंदर। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे? बचा हुआ माल पूछेगा तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आएंगे। बैलेंस, बैलेंस ओनली करेंगे तो देखिए यहाँ पर खाली बताएगा कि इतना माल मेरा नेगेटिव में, बचा हुआ माल दिखाएगा खाली, या नेगेटिव गया वो दिखाएगा। इसके अंदर वो आइटम नहीं आएगी जिनका बैलेंस जीरो है। इसके अंदर कौन सी आइटम नहीं आएंगी? जिनका बैलेंस जीरो होगा। अगर आपको डिटेल देखनी है कितना इन कितना आउट हो, तो कहाँ जाएंगे? डिटेल पे आएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से करेंगे ऑल आइटम, यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ से करेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? यहाँ से मेंटेन। ये हमारा टॉपिक था स्टॉक स्टेटस का। इसको कुछ मेन टॉपिक से तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि एक दिन की सेल कैसे निकलती है, एक दिन की परचेज कैसे आती है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जैसे मुझे किसी पार्टी का प्रिंट देना है तो आप पहले उनको देते, पहले ऑल टेल। अब जैसे मुझे परचेज का लेजर निकालना, अब स्पीड कैसे बढ़ाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। पहले ऑल टेल करोगे, ऑल टेल से किसी एक पार्टी का लेजर आता है, उस पार्टी के दो नाम डालो, जैसे रोहित आर डालोगे, इंटर मारोगे, इंटर इंटर नहीं F2 कर दोगे, तो वाउचर अपने आप हो जाएगा। अब इसका मुझे प्रिंट आउट देना है, अब फिर आप क्या करोगे, माउस से यहाँ जाके करोगे, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट पी इंटर ऑल्ट पी, तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। प्रिंट देने के लिए ऑल्ट प्लस F2, पहले ऑल्ट पी करो, प्रिंट देना है तो ऑल्ट पी करो, देन F2 कर दो। क्या कर दो? ऑल्ट पी करो फिर F2 कर दो, ऑल्ट पी करो फिर F2 कर दो, तो आप यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को? तो ये किसी भी ओल्ड टेल से क्या होता है, किसी एक पार्टी का लेजर आता है। क्या आता है? एक पार्टी का। ओल्ड पार्टी का देखना हो तो कहाँ जाते हैं हम लोग? अकाउंट समरी के अंदर, कंसोलिडेटेड के अंदर और ग्रुप ऑफ कर देते हैं। हाँ वो बता दूंगा। ठीक है, अगर ग्रुप वाइज मांगेगा तो यहाँ से आएंगे, बचा हुआ माल किससे पैसा लेना, आउटस्टैंडिंग के अंदर आएंगे। स्टॉक की बात करेगा तो स्टॉक स्टेटस में आएंगे। सेल की बात करेगा आइटम के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से। अगर एक दिन की सेल पूछे,
एनालिसिस, ठीक है। डे बुक मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे, अकाउंट बुक के अंदर, तो यहाँ से आपकी डे बुक आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, आगे समझ में? तो ये मेन मेन टॉपिक है। ओल्ड टाइप से क्या होता है, किसी एक पार्टी का लेजर आता है, क्या आता है, और एक पार्टी का लेजर आता है। ओल्ड टाइप से आइटम का लेजर आता है, जैसे ओल्ड टाइप करूंगा तो यहाँ पर देखिए आइटम इन्वेंट्री के बारे में आ गया। टैली में ऐसा नहीं है, टैली में आपको जाने के लिए पूरा अंदर जाना पड़ेगा। बीजी में आप कहीं भी खड़े हो, ओल्ड टाइप कर दोगे तो आइटम का लेजर आ जाएगा। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है बीजी का, ठीक है, यूजर फ्रेंडली है। ओल्ड टैब 5 से पेमेंट, देखो शॉर्टकट देखोगे तो यहाँ भी लिखा है। आप खाली F1 दबाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, हेल्प आएगी, हेल्प। जिसके नीचे लाइन होती है उसको कंट्रोल के साथ या ओल्ड के साथ यूज करेंगे। देखो नीचे उसने बताया है, जिसके नीचे अंडर लाइन है उस की को किसके साथ यूज करेंगे आप, ओल्ड के या कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे, ओल्ड के साथ, कंट्रोल के साथ, ठीक है। अगर आपको पार्टी बनानी तो पार्टी बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F1 या ओल्ड F1, तो आपकी पार्टी बन जाती है। आइटम बनानी है तो आपको F2 करना है, ठीक है, ओल्ड के साथ, ठीक है। पर पेमेंट पे जाना तो ओल्ड 5 करना है, रिसीव पे जाना तो ओल्ड 6 करना है, जनरल पे जाना तो ओल्ड 7 करना है, सेल पे जाना तो ओल्ड F8 करना है, परचेज पे जाना तो ओल्ड F9 करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट की कोई शॉर्टकट नहीं है। अब इन्होंने पूछा कि सर जिसकी शॉर्टकट नहीं उसको कैसे करेंगे, जिसकी शॉर्टकट नहीं आप उसकी शॉर्टकट बना सकते हैं बीजी के अंदर। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आइए, यहाँ की शॉर्टकट बनानी, देखो सबसे नीचे लिखा है क्रिएट शॉर्टकट, तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे Ctrl+1, इसकी शॉर्टकट मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब देखिए मैं कहीं भी Ctrl+1 करूंगा तो कंट्रा आपके पास खुल जाएगा, तो अपने हिसाब से भी शॉर्टकट की इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा, मेरा कॉन्ट्रा फेवरेट है, मैं बार बार कॉन्ट्रा में जाके एंट्री करता हूँ, सेल मेरा फेवरेट है, बार बार सेल में जाके एंट्री करता हूँ, तो क्या कीजिए, सबसे पहले सेल पे आइए और देखो यहाँ लिखा है नीचे ऐड टू फेवरेट, आप इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप करोगे तो ये आपके फेवरेट में आ गया है। तो जो आपके चुनिंदा रिपोर्ट हैं, आप जिनको बार बार जाके यूज करके निकालते हो, उसको कहीं से नहीं आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आगे समझ में। तो ये टॉपिक आपके लिए मेन है, ठीक है, क्लियर हो गया। आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।